करनाल में निजी स्कूल, कोचिंग संस्थान और लाइब्रेरियां बंद कर दी गई हैं। कोविड नियमों की खुलकर यहां पर उल्लंघना हो रही थी। कई जगहों पर चोरी छिपे बच्चों को बुलाया जा रहा था, पढ़ाया जा रहा था। जी मीडिया ने जब मौके का जायजा लिया तो संबंधित तमाम अनुशिक्षण संस्थानों को देखा गया कि ये बच्चों को वापस भेजते नजर आए। और इसी बाबत जब खंड शिक्षा अधिकारी से जी मीडिया ने बातचीत की, उन्हें सवाल किया तो जनाब पहले तो कोविड गाइडलाइंस से बेखबर नजर आए और फिर सवाल किया तो उल्टा कैमरा बंद करवाने लगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन अधिकारियों को खुद ही गाइडलाइंस के बारे में जानकारी नहीं है, वो शिक्षण संस्थानों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। लाइब्रेरी जरूर ओपन कर रखी है, परंतु हमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो हमारे ओनर हैं वो हमारा किराया छोड़ते नहीं है। वो जो बच्चा है पेपर देने आता है, पेपर की तैयारी कर रहा है, सिर के ऊपर पेपर है, कैसे करें? घर पे तैयारी होती नहीं है। हाँ, हमने बच्चे जरूर बैठा रखे हैं, पर डिस्टेंस से बैठा रखे हैं, मास्क है। तो इसमें ये देखा जाए तो बच्चे सभी वैक्सीनेटेड हैं, 18 साल से ऊपर है, सभी के पास मास्क है, कैबिन बना रखे हैं बैठने के लिए, सारा नियम पालना कर रहे हैं, लेकिन हमने सरकार के नियम तोड़े मानते हैं। ऑफिस में 50% एम्प्लॉय को अलाउ किया गया है, तो इसमें लाइब्रेरी का हमें किराया देना होता है। और इसमें ये नहीं है कि हमारा कोई बिजनेस का इशू है, हमने स्टूडेंट्स ने खुद पढ़ने के लिए क्या हुआ है, तो इसमें हमारे लिए कुछ छूट की जाए या लाइब्रेरी में बच्चों को अलाउ किया जाए। 50% बच्चे तो होना चाहिए।